अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कंबो आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो लेके आया है जिसकी मुझे समझ लें कि इतनी फरमाइश की गई है कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मोबाइल पे, ईमो पे, यानी जहाँ 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 मेरा नंबर दस्तयाब है लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि हकीम साहब ऑयल बनाने का कोई ऐसा लाइव नुस्खा बताएं जो फौरी भी हो और असर भी करे और मतलब अफेक्टिव उसका रिजल्ट बहुत हो। ये जो मैं आज आपको ऑयल बनाने का नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये ऑयल का ऐसा नुस्खा है जिसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई छाला नहीं, कोई आंवला नहीं, कोई किसी किस्म का कोई जनाब नुकसान नहीं देता। और इसके फ़ायदे ऐसे हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएं। उज़्व का साइज़ जहन में रखें, उस वक्त तक बढ़ता है जब तक कद बढ़ता है। अगर नौजवान लड़के जिनने मतलब साइज़ की कमी का मसला है, नफ्स के साइज़ की कमी का मसला है, वो इस ऑयल को इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा और नफ्स की ग्रोथ में हैरान कुन इजाफा होगा। और वो लोग शादीशुदा हजरात जिनका नफ्स कसरत सोबत या शादी से पहले हाथ के इस्तेमाल से यानी मुश्त जनी से या गुलामबाजी से उज़्व का साइज़ सुकड़ गया हो, वापस उज़्व की रगें खोल के उज़्व का साइज़ वापस असली हालत में आ जाएगा। और उज़्व को इस कदर सख्त करता है ये जो तिला मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप खुद फील करेंगे कि जैसे कोई लोहे की चीज़ आपके पास आ गई है। और इस कदर हार्ड और सख्त और उज़्व का को हल्का फुल्का जो टेढ़ा पाना है उसको भी बिल्कुल दुरुस्त, यानी उज़्व एक तरफ से झुका हो या जड़ से पतला हो, ये इस तिला के इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से आपको ऐसा 200% रिजल्ट मिलेगा कि जिसकी कोई हद नहीं। ये जो मतलब ऑयल है ये मैं अपने दुआ खाने में पहले समय ले इलाज के तौर पे इस्तेमाल कराता हूँ। अगर दुआ खाने का कोई नुस्खा मैं आपको छुपाऊँ या बताऊँ तो यकीन करें कि ये मेरा ज़मीर ही गुवारा नहीं करता, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इलम सीखो और सिखाओ। तो एक दफ़ा सब भाई मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि मैं फिर आपको नुस्खा जो है ना वो बताना शुरू करूं। तो इसके साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हो और कमेंट्स में पूछते रहते हो। सब्सक्राइब या वीडियो लाइक या वीडियो शेयर का बिल्कुल आप लोग ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, मुझे इस बात का गिला अपने व्यूवर से, ठीक है। तो दोस्तों ये कैमरा करेंगे इन शीशियों की तरफ, नहीं ये 5 शीशियां हैं, इन शीशियों में के अंदर क्या क्या है देख लें, ये सफ़ाए दिल पे नोट कर लें, वीडियो सेव कर लें अपने मोबाइलों में। सबसे पहला ऑयल है जी रोगने दार चीनी, ये आप किसी अच्छे दवा खाने का ले सकते हैं, बेशुमार आपको मतलब दवा खानों से हर किस्म का मिल जाएगा। ये कोई शर्त नहीं है कि फलां कंपनी का ही लेना है। दार चीनी का तेल, दार चीनी क्या है, ये जो हमारे आम किचन के खानों में इस्तेमाल होती है दार चीनी खुशबू पैदा करने के लिए, जाकर ये है जी रोगने दार चीनी। उसके बाद ये जी हमारे सालन खानों में ये भी इस्तेमाल होता है रोगने लौंग, असली रोगने लौंग। ये भी आप जो मर्जी दुआ खाने का ले लें, कोई पाबंदी नहीं है कि जी फलां का ही लाजमी होना चाहिए, ठीक है जी। रोगने लौंग 2 हो गए जी। उसके बाद ये बादामों का तेल, ये भी हम आम खाने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बादामों का तेल किसी भी अच्छे दुआ खाने का इम्पोर्टेड लोकल देसी जो मिले। उसके बाद ये आता है माल कंगनी, मर्दाना ताकत की कोई दवाई हो, कोई तेल हो और उसमें माल कंगनी ना शामिल हो तो ये तो समझ लें कि वो नुस्खा फेल है। ये मैं आपको माल कंगनी का तेल बनाने का तरीका भी बताऊंगा अलहदा वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो की चाहत है कि माल कंगनी के वीडियो बनाई जाए तो कमेंट्स में कम अज़ कम मुझे 200 लोग लाजमी कहेंगे जी माल कंगनी का ऑयल बनाने का तरीका, तो मैं आपको बता दूंगा आप घर बैठे मालकंगनी का ऑयल बनाए। ये लगाने के साथ साथ खाने के तौर पे भी मर्द को इतनी ताकत देता है कि घोड़े जैसा हो जाता है मर्द। और ये है जी आखिरी 5वां ऑयल रोगने बीर बोटी, ये एक ऐसा तेल है कि बस जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है। बीर बोटी का ऑयल मर्द के उज़्व के लिए समझ लें जो मुर्दा उज़्व है उसको भी जान डाल देगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। ये 5 ऑयल दोबारा सुन लें, रोगने लौंग, रोगने दारचीनी, रोगन बादाम, रोगन मालकंगनी और रोगने बेर बूटी, ठीक है जी। इन सारे तेलों के नाम भी मैं लिख दूंगा आपको वीडियो के अंदर ही, वीडियो के एंड में भी या वीडियो के दरमियान किसी भी जगह मैं एक पूरी स्लाइड बना के लिख दूंगा और इनकी मिकदार भी लिख दूंगा। मिकदार आप वैसे भी सुन लें, सारे तेल आप बराबर वजन ले लें, 20-20 ml ले लें, अगर ये ज़्यादा लगे तो 10-10 ml ले लें,
10 ml यानी 10 मिलीलीटर, ठीक है जी। इसी तरह शीशी आपको मिल जाएगी, आम ये गालबन 20 ml की शीशी है, ठीक है जी। ये खुला डुला तैयार हो जाएगा 20-20 ml की, ये सारी शीशी हैं। अब आपने इनको तैयार कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। कोई भी बड़ी बोतल ले लें, शीशे की ले लें, प्लास्टिक की ले लें, ये पांचों तेल इसमें आपने मिक्स कर लेने हैं। पांचों तेल उसमें मिक्स करके आपने 100 दफ़ा हिलाना है। थोड़ा कैमरा ऊपर करें जी, मैं दिखाऊं। 100 दफ़ा आपने ऐसे हिलाना है, ठीक है जी। 100 दफ़ा हिलाने के बाद आप देखेंगे ये सही मिक्स हो जाएगा, और शीशी को आपने महफूज कर लेना है। शीशी को हमेशा आप छांव में रखना है, किसी अलमारी वगैरह में रखते हैं। अक्सर मरीज हमारे या अक्सर हमारे व्यूवर्स क्या गलती करते हैं, इन आयलों को तैयार करके फ्रिज में रख देते हैं। ये सख्ती से मना है, इन आयलों को तैयार करके फ्रिज में नहीं रखना, नंबर एक। नंबर दो, धूप में भी नहीं होने चाहिए। अमूमन कई लोग ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से भी ये ख़राब हो जाएगा और बजाय फायदे का नुकसान देता है। एहतियातें सुन लें जो मैं गौर से बता रहा हूँ। और उसके बाद ये आपने सेफ कर लिया, रोज़ाना रात को आपने क्या करना है, अपने कमरे में जहाँ आप अकेले हैं या वाशरूम में, तौलिए को नीम गर्म पानी में भिगोना है और निचोड़ लेना है। उससे अपनी रानें साफ करनी है, ठीक है जी। खसिए वगैरह साफ करने हैं, उज़व को अच्छी तरह साफ कर लेना है, और उज़व के इर्द गिर्द का एरिया अच्छी तरह समझ लें ताकि मसाम खुले। याद रखें, ये तरीका आपको कोई हकीम नहीं बताएगा जब तक आपके उज़व और इर्द गिर्द की राने, खसियों के नीचे का हिस्सा, खसियों के इर्द गिर्द का, उज़व के इर्द गिर्द का हिस्सा, यहाँ से दुराने खून बेहतर नहीं होगा। मसाज करने का फायदा ही कोई नहीं ऑयल लगाने का, ये मेरी बात पल्ले से बांध लें, ठीक है जी। ये आपने क्या करना है, 10 कतरे आपने उज़व का फ्रंट का कैप और नीचे का हिस्सा छोड़ देना है। उज़व के फ्रंट का कैप यानी ये जो फ्रंट कैप होती है, ये और नीचे का हिस्सा, ये छोड़ के 10 कतरे आपने इधर, ये दो साइडें और ऊपर अच्छी तरह मसाज कर लेना है, मलना है थोड़ा सा। जब ऑयल जज़ब हो जाए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई पट्टी, कोई आपने पान का पत्ता नहीं बांधना। अगर आपको ये रोग ना, दालचीनी और लौंग थोड़े ज़रा जलन करते हैं, अगर आप जलन करें तो आप इसकी जलन स्लो करने के लिए आपने तकरीबन, अगर ये सारे 20-20 ml हैं तो 20 या 40 ml इसमें रोगने बादाम या रोगने जैतून शामिल कर लें। उससे क्या होगा, इसकी थोड़ी तेज़ी कम हो जाएगी और जलन वगैरह कम होगी। और ये नुस्खा आप जितने दिन मर्जी, महीना दो महीने इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं। लेकिन इस नुस्खे की एहतियातें सुन लें। ज़कावत हिस, सुरत अंजाल, मनी के पतलेपन के मरीज, पहले इन मर्ज़ों का इलाज करें, उसके बाद इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के इस्तेमाल करने में किसी किस्म के मजाज का कोई इशू नहीं है। अगर कोई बंदा सेहतमंद है तो वो ना इस्तेमाल करे, क्योंकि सेहत की हालत में चीज़ें इस्तेमाल करना बजाय फ़ायदे के नुकसानदेह है। नंबर एक, उज़व के साइज उस वक्त तक बेहतर होगा जब तक आपका कद बढ़ता है। ज़्यादा उम्र के लोग ये बात जहन से निकाल लें कि उज़व का साइज बेहतर होगा। हाँ, अगर आपका उज़व का साइज सुकड़ गया होगा, इंशाल्लाह इस ऑयल के इस्तेमाल से आपका उज़व का साइज वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा और सख्ती बेपनाह होगी। लें जी, उज़व पे ऑयल लगाने का तरीका बता दिया, थोड़ी एहतियातें भी बता दी। अब सुबह उठ के अमल क्या करना है, सुबह उठ के आपने क्या करना है कि उज़व को नीम गर्म पानी से धोना है अगर सर्दियाँ हैं, अगर गर्मियाँ हैं तो सादे पानी से धो लें। और सर्दियों के मौसम में उज़व को सर्द पानी, आपने जब तक ऑयल इस्तेमाल करना है सर्द पानी लगाना ही नहीं है, ना है दिन को ना रात को। इस्तंजा करें नीम गर्म पानी से, जेन में रख लें, सर्दियों में ठंडा पानी नहीं लगाना, उससे फायदे की फायदा नहीं होता फिर ऑयल यूज़ करने का, ठीक है जी। ठंडे पानी से परहेज करेंगे, नीम गर्म पानी से इस्तंजा करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ताकत के वो नज़ारे दिखा देगा कि आपकी सोच नहीं वहाँ तक गई होगी जहाँ तक ये आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये एक दफ़ा जाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑयल ज़रूरी नहीं है किसी अच्छी कंपनी या मतलब किसी बहुत बड़े दवाखाने का, जहाँ पर आपको इतमाद है कि आपको ये ऑयल खालिस और एक नंबर मिल सकते हैं, किसी पंसारी की दुकान से, किसी अच्छे मतलब बड़े स्टोर हैं जो जहाँ ग्रोसरी आम मिलती है, वहाँ मसालों के साथ ये ऑयल भी आम मिल जाते हैं। और ये ऑयल फर्दन फर्दन आप चाहे खुद भी तैयार कर सकते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। लौंग का तेल आप खुद निकलवा सकते हैं,
दारचीनी का भी आम निकलवा सकते हैं, मालकंगनी का भी खुद तैयार कर सकते हैं। ये ऑयल तैयार करने के तरीके भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप इन झंझटों में पड़ने के बजाय अच्छे अच्छे नामवर दवाखानों का ये ऑयल आम मिलता है। ये सारा नुस्खा तकरीबन आपका 200-300 में 400 रुपये में बन जाएगा। ये अगर ये 20-20 ml लेंगे तो 5 बंदों को ये नुस्खा लग जाएगा, यानी फी बंदे को 50 से 100 रुपये सारे अखराज आएंगे, और इसका रिजल्ट 50,000 क्या 50 लाख के नुस्खों से भी बेहतर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर भी करें। अगर आपको मज़ीद किसी और वीडियो की ज़रूरत हो मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है, कमेंट्स में कम से कम मुझे कोई भी वीडियो बनानी हो कम से कम 100 बंदा ज़रूर कहा करे यार, कोई थोड़ी बंदा वैल्यू तो मतलब देखो ना, इतनी मेहनत करनी है और मतलब क्या बंदा, कम से कम 100 बंदे तो यार कहा करो कि ये यकीम साहब फलानी वीडियो बनाए। लाइव वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।